हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर। और बताओ भाई, कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय, अजय ठाकुर, गुड मॉर्निंग अनूप सोनी। आई एम हियर, मैं अभी भी जग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। तो मतलब रात से जग रहे हो कि अभी जग रहे हो? हैं अनूप, प्रियांशु राज, गुड मॉर्निंग केसी, गुड मॉर्निंग सक्सेस स्टडी पॉइंट, गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, फटाफट शेयर कर दें भाई, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, सारे अकाउंट्स पे शेयर कर लें ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। अनुप सोनी, रात भर जग रहे थे आप? वैभव भास्कर, गुड मॉर्निंग भाई। चलो आ जाओ, सारे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते भाई। अच्छा, सुबह से जग रहा है भाई। और कोई नहीं, बढ़िया जी, आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई। आज भी अभी हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल अपन डिस्कस करेंगे वन वर्ड और बाकी चीज़ें। तो आज वाला सेशन देख लें, फटाफट आ जाएं आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सारे वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे जी, बिल्कुल सारे वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट वही चल रहा है जो पेपर में देखने को मिलेगा, मतलब इससे बाहर कॉन्सेप्ट अभी तक एमटीएस में नहीं पूछा गया है भाई। चलो जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन द बोल्ड और अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। आंसर आना स्टार्ट हो गया। अजय ए, प्रियांशु राज ए, केसी सेड लार्जेस्ट पोर्शन, ओके। और बाकी बाकी भी आंसर करें भाई। वर्षा ए, अजय ए, ठीक है। और बाकी बाकी जनता, बाकी जनता। अनूप सोनी ए, सुनील सेठी, ओ माय गुडनेस, सुनील सेठी सर ए, बढ़िया। अजय ए, ठीक है भाई। चलो सभी ने ए आंसर करा है, देख लेते हैं क्या बात हो रही है भाई। सक्सेस स्टडी पॉइंट द लार्जेस्ट पोर्शन, यस एग्जैक्टली। कह रहा है क्या एडीएम हमें दिया रखा है भाई? अंडरलाइन वाला जो सेक्शन होता है वो एडीएम वाला पार्ट है भाई, ये है ना, हमें इसकी मीनिंग देनी है। तो कह रहा है द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। लायंस शेयर की मीनिंग क्या होती है भाई? लॉयंस, लॉयंस शेयर की मीनिंग होती है सबसे बड़ा वाला हिस्सा। लॉयंस, लॉयन भाई, लॉयन ज्यादा खाता है ना, लॉयन है ना, शेर तो ज्यादा ही खाएगा, ठीक है। सुभाथरा रामास्वामी ए, ओके। आशा ए, अंकित सैनी ए, ठीक है भाई। शिवम ए, सभी के आंसर बेहतरीन है भाई। लॉयंस शेयर की मीनिंग होती है द लार्जेस्ट पोर्शन, है ना, द लार्जेस्ट पोर्शन, लार्जेस्ट पोर्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो इजी था, और ये पेपर में देखने को हर साल मिलता है भाई, हर साल आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट शेयर भी कर लें आप अपने फ्रेंड्स के साथ। अनूप सोनी, गुड। चलो जी, प्रियांशु राज ये, सुनील सेठी भी, अजय ठाकुर वेन, ओके। बाकी केसी वेन, अजय ए, ठीक है भाई। और बाकी जनता, बाकी जनता क्या बोल रही भाई?
अंकित सैनी वेन सक्सेस स्टडी पॉइंट ए, शिवम गौर ए, वर्षा झा ए, अजय ठाकुर वेन, अनूप सोनी ए। ठीक है भाई, चलो ठीक है आ जाओ समझते हैं। कह रहा हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स है, बढ़िया है भाई सभी के आंसर ठीक है। कह रहा हार्डली, अगर मैं पूछूं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये स्टेटमेंट लिखा गया, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, क्या नाम से हम इसको जानते हैं, पता है आपने किस नाम से हम इसे जानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है भाई बताओ जरा, क्या लगता है कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बोलो कॉन्सेप्ट बताना है आपने। हार्डली स्कार्सली बेयरली वेन, ओके कंजंक्शन, ओके और क्या लगता है भाई क्या कॉन्सेप्ट है, कंजंक्शन ओके, और अजय ठाकुर और अजय दोनों ने बोला कंजंक्शन, प्रियांशु राज कंजंक्शन, अच्छा सभी का कंजंक्शन ही आ रहा है, कंजंक्शन कंजंक्शन ओके ठीक है। अच्छा एक टर्म सुना है, एक टर्म सुना है इन्वर्जन, इन्वर्जन ये सुना है क्या, इन्वर्जन सुना है, सुना है भाई इन्वर्जन सुना है, अरे सुना है ना इन्वर्जन, कहीं तो सुना होगा, इन्वर्जन पे बेस्ड है भाई ये। अब इन्वर्जन क्या होता है, ये क्या बल्ला है, आपको पता है इन्वर्जन का मतलब ये होता है उल्टा पुल्टा कर देना। उल्टा पुल्टा मतलब क्या, अभी तक आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है बचपन से, बचपन से लेकर अब तक, मतलब बचपन में क्यों बोल रहा हूँ, अब अपने मतलब जब से आपने सेंटेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से आपने ये सुना है कि हम सेंटेंस का जो सिंटेक्स लिखते हैं वो कुछ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है ना, हम इस कॉन्सेप्ट पे को फॉलो करते हैं, इस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बात होती है इन्वर्जन की, किसकी बात होती है भाई इन्वर्जन की, तो जो वर्ब होता है वो पहले आ जाता है और फिर उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखते हैं और देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखता है भाई इन्वर्जन में, राइट ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल सुना है आप लोगों ने, तो ये होता है भाई ऐसा कुछ होता है ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हैड पहले आ चुका है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब मैं अगर बोलता हूं तो वर्ब में दोनों इंक्लूड है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, राइट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ठीक है। तो कुछ टर्म है भाई जैसे हार्डली बेयरली रेयरली स्कार्सली नो सूनर देन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ध्यान से देखो, हार्डली बेयरली स्कार्सली ठीक है, रेयरली नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब कुछ ऐसे निगेटिव एडवर्ब हैं, यू कैन से एडवर्ब राइट, निगेटिव एडवर्ब हैं ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आई हैड भी हो सकता है, बिल्कुल 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 भाई आशा आपका भी ठीक है, इफ आई हैड ठीक है। ये समझो जो निगेटिव एडवर्ब होते हैं वो बनाते हैं इन्वर्जन, मेनली इन्वर्जन आपने पढ़ा है बचपन से, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इन्वर्जन के फॉर्म में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना डू आई नो यू, डू आई नो यू, हमने क्या बोला बोला भाई डू आई नो यू राइट। तो भाई ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हो कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ रखा है भाई, तो नॉर्मली इन्वर्जन हमने कहाँ देखा है ना, नॉर्मली हम, हाँ जी अनुप सोनी बिल्कुल, इनके साथ निगेटिव वर्ड नहीं लगता, हमने नॉर्मली इन्वर्जन कहाँ देखा भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखा है राइट। लेकिन दूसरा इन्वर्जन कहाँ बनता है, जो निगेटिव एडवर्ब होते हैं ना वो इन्वर्जन के साथ आते हैं, जो निगेटिव एडवर्ब होते हैं वो किसके साथ आते हैं भाई, इन्वर्जन के साथ आते हैं, तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसमें जो होता है कंजंक्शन, इनका पेयरिंग जो कंजंक्शन होता है, पेयरिंग कंजंक्शन जो इनके पेयर में आता है, जैसे हार्डली बेयरली स्कार्सली और रेयरली, इनके साथ क्या आएगा भाई, इनके साथ वेन फिक्स्ड है एग्जामिनर, अच्छा यहाँ पे अभी फिलिंग मतलब गैप दे रखा है, अगर स्पॉट द एरर में देता है तो इस वेन की जगह पे एग्जामिनर आपको या तो देन देगा या फिर दैन देगा ठीक है। हार्डली के साथ उसने देन प्लेस कर दिया, हार्डली के साथ उसने देन प्लेस कर दिया, फिर आपसे बोलता है कि स्पॉट द एरर राइट, दोनों दोनों सिनेरियो में नो सुनर के साथ देन आता है टी एच ए एन वाला और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये बात आपने पता है। तो सभी के आंसर बहुत ही शानदार थे, काफी बेहतरीन आंसर किया आप लोगों ने, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर राइट ठीक है भाई डन। हाँ गुड मॉर्निंग अरुण,
नो सुनर के साथ देन आता है, बिल्कुल नो सुनर के साथ देन ही आया हुआ अभी, ठीक है। आई होप सभी को फंडा समझ आया होगा, इन्वर्जन का फंडा सभी को समझ आ गया होगा, है ना। बिल्कुल हल्की सी बात होती है भाई इन्वर्जन। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर है भाई अगला क्वेश्चन। आंसर करेंगे भाई, आंसर करो फटाफट, आंसर करो। केसी सेड ए, ओके। अजय ठाकुर डी, सुलभ झा ए, किसी एक्सप्लेन्ड, ओके। ए डी ए, ओके। और बाकी भी, बाकी जनता, नींद नहीं आ रही है क्या? आपने नींद नहीं आ रही है, नींद में हो? अनूप सोनी डी, ओके। आशा पहरीवाल ए, ओके। वर्षा ए, प्रियांशु राज डी, उमेश बी, ओके। ए डी बी, ये तो आ गए। अरुण सागर डी, अनूप सोनी लुक्ड लाइक होगा शायद, लुक्ड लाइक, ओके। और भाई, और जाग जाए जनता भाई, जो सो रही जनता वो जाग जाए। हैं सभी ने कर लिया भाई आंसर, सभी ने कर लिया, अजय डी, ठीक है जी। चलो बढ़िया, समझते हैं भाई क्या फंडा है भाई, है ना। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन लग रहा है ये, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन लग रहा है, एमटीएस में आ रखा है अभी, जो लिखा हुआ ना 11/7/2022, ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। द स्टूडेंट्स लुक्ड कंफ्यूज्ड, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां तक अगर आप ये पूरा का पूरा क्लॉज देखो, है ना, तो आपको क्या समझ आएगा भाई कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बात चल रही है, हाँ कि ना, पास्ट इंडेफिनिट में बात चल रही है। फिर क्या है भाई, आगे एक कंजंक्शन प्लेस किया और उसके बाद पूरी बात कह रहा है क्या, सो द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, सो द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक। कंजंक्शन की एक अपनी बेहतरीन सी बात होती है, जब भी कोई कंजंक्शन आता है, ठीक है, कंजंक्शन आता है, कोई भी कंजंक्शन, चाहे वो बट हो, एंड हो, सो हो, येट हो, कोई भी कंजंक्शन आ जाए, कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, तो कंजंक्शन से पहले आपको एक क्लॉज दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, क्लॉज वन दिखेगा, ठीक है, और कंजंक्शन के बाद आपको एक क्लॉज टू दिखेगा। मैं क्लॉज क्यों लिख रहा हूं वो बात भी समझ लो जरा, है ना। क्लॉज क्यों लिखा, क्योंकि क्लॉज का मतलब ये कि इसमें क्या होगा भाई, सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर भी आपको दिखने को मिलेगा और सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये बात किस किस को समझ में आ गई, क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होता है भाई, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आते हैं, कभी कभी वो पूरी पूरी बात कह जाते हैं और कभी कभी पूरी पूरी बात कहते नहीं है, लेकिन वो किसका काम करते हैं भाई, क्लॉज का काम करते हैं। ये बात फंडा, ये फंडा सबको क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। राकेश ए, ठीक है भाई, ये बात सभी को क्लियर, जो भी मैंने बताई आपको कंजंक्शन वाली, है ना, कि कंजंक्शन से पहले आपको क्लॉज वन दिखेगा और कंजंक्शन के बाद आपको क्लॉज टू दिखेगा, ये बात ठीक है, ठीक है भाई, ये है ना, ठीक है, ये बात ठीक है। अब चलो, अब जो क्लॉज वन आया है उसकी टेंस और जो क्लॉज टू आया उसकी टेंस, दोनों की टेंस क्या होनी चाहिए भाई, दोनों की टेंस सिमिलर होनी चाहिए, दोनों की टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप ऊपर देख पा रहे हो कि क्लॉज वन तो आपके किस में आ रखा है भाई, वी टू में आ रखा है, लुक्ड लिखा हुआ ना, वी टू में आ रखा है भाई, बिल्कुल वी टू में आ रखा है, मतलब वी टू क्या, पास्ट का इनडेफिनिट, राइट। लेकिन अगर आप क्लॉज टू की बात करोगे तो सब्जेक्ट इधर रहा और ये एक्सप्लेन क्या बना भाई, वी वन, और वी वन किस में देखने को मिलता है आपको, वी वन देखने को मिलता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ, राइट, बिल्कुल बेहतरीन है, आप लोग सभी को बात समझ आ रही है। वी वन किसके साथ देखने को मिलता है भाई, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हमें यह समझ आया कि एरर भाई साहब इधर ही है, एरर कहां है भाई, यहां पर है। इसको किस में होना चाहिए था भाई, पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए था, और पास्ट के इंडेफिनिट में जाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा भाई, एक्सप्लेन बनना पड़ेगा, वी टू बनना पड़ेगा। से यस सुनो, से यस सुनो, यस हाँ निमाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है, समझ आई बात। तो आपको एरर समझ आया किस सेक्शन में भाई, ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है बच्चे, कितनी प्यारी सी बात है ये,
देख रहो मतलब पता है आपने, आप सारा फंडा जानते हो, बस एग्जाम में जाते ही चोक कर जाते हो। क्यों कर जाते हो? घबरा जाते हो, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। बढ़िया हो मिस। चलो जी नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे चलें भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में? कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है यार, कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लुक्ड लिखा हुआ है, वो वर्ब है भाई, वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो कंजंक्शन है, टीचर जो नाउन है, ठीक है। एक्सप्लेन लिखा हुआ, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई। टॉपिक अगेन नाउन है ना। अच्छा एग्जाम में गोलमाल हो जाता? नहीं होगा भाई, आप टेंशन नहीं लो, अब नहीं होगा है ना, बिल्कुल परेशान नहीं हो जी। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो फिर कुछ भी गोलमाल नहीं होता है ना। तो फाउंडेशन पे वर्क करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटेंस लिखा है और लिखते ही सेंटेंस की मीनिंग हमें समझ आ रही है प्रॉपर तरीके से, हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि क्या है वहां पे यूज हुआ है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्या चीजें चल रही हैं, कौन सा टेंस है, टेंस का सेंटेंस का नेचर क्या है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अजय ठाकुर ए सुलभ, ए प्रियांशु राज, ए अरुण, ए अजय, ए सुलभ इज इजियर देन ओके, और निमाई ए, बाकी जनता इजियर देन ए ओके, आशा पारिवाल ए, वर्षा ए। बेहतरीन बेहतरीन आंसर है आप लोग का। अच्छा कंफ्यूज ही होगा भाई, कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज ही होगा। जिद्दी एसएससी एस्पायरेंट ए, बेहतरीन नाम है भाई, जिद्दी एसएससी एस्पायरेंट। चलो ठीक है समझते भाई। कह रहा है दीज डेज जजिंग समवन, इन दिनों दूसरों को जज करना इज इजियर देन है ना, रिस्पेक्टिंग देम है ना, इज इजियर देन, ये बोल रहा भाई। और ये इजियर आके बता दिया है भाई, यहाँ पे क्या है भाई, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हो आप। किसका यूज कर रहे हो भाई? कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हो। और कंपैरेटिव डिग्री में जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हम देन एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, देन एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं भाई। उसके लिए क्या आता है भाई? देन आता है, ठीक है देन आता है। तो देन जहां है वो करेक्ट है भाई। और ये इजिएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा भाई। इज मोर इजियर, ये एक साथ, अच्छा दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं हो सकते भाई, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं हो सकते। हाँ जी बढ़िया है भाई, ठीक है। तो ये खत्म। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अब यूट्यूब पे फाउंडेशन का क्लास, बेसिक्स का क्लास कराइएगा। बिल्कुल कराएंगे भाई, थोड़ा वेट कर लें आप, नेक्स्ट वीक से वो चीज़ें भी आएंगी। अब बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, नासिर मियाँ, बिल्कुल नासिर मियाँ ठीक है। संदीप इज इजियर टू, ठीक है भाई। सो करेक्ट आंसर आपने मार्क किया ए, ये बात तो ठीक है। मेरा डाउट है, मेरा डाउट है भाई, आपने दूर करना, मेरा डाउट है, मेरा कंफ्यूजन है क्या है। अगर मैं ये कर दूं कि जहां पे इज इजियर देन, सॉरी दीज डेज लिखा है, अगर मैं ये कर दूं कि दीज डेज को मैं दोज डेज में चेंज कर दूं, दोज डेज में चेंज कर दूं, फिर कोई चेंजेस होगा सेंटेंस के नेचर में, कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? एग्जामिनर तो ये भी कर सकता है ना कि दीज डेज के प्लेस पे वो दोज डेज लिख दे, फिर कोई गड़बड़ हो रही है सेंटेंस में या फिर बात ठीक ठीक चल रही है, बताओ। टेंस सेंटेंस को तोड़ना भी आना चाहिए आपको, कि आप उसको चंक्स में तोड़ दो, चंक्स में तोड़ दोगे तो फिर तुम राजा है ना, बाकी जो एग्जामिनर है वो प्रजा तुम्हारे सामने है ना, यू आर अ किंग एट दैट मोमेंट। तो मुझे जरा आंसर करो कि मैंने दीज डेज के प्लेस पे दोज डेज प्लेस करा है भाई, कोई चेंज होगा या नहीं होगा? अच्छा अजय ठाकुर ने बोला नो चेंज, सुशांत सौरभ आर, अजय सेड नो ओके, और भी जनता, बाकी जनता क्या कह रही है भाई? बाकी फटाफट आंसर करें जी। आशा पारिवाल वॉज इजियर देन रिस्पेक्टेड ओके, वॉज इजियर केसी आशा, अजय ऑल प्यूरल, प्रियांशु राज नो, वर्षा नो, अनुप सोनी वॉज इजियर। तो तीन लोग के आंसर मेरे सामने हैं जो करेक्ट आंसर आ रहे हैं, केसी के आ रहे हैं, आशा पहारीवाल के आ रहे हैं और अनुप सोनी के आ रहे हैं। अनुप सोनी वॉज आएगा शायद, शायद में क्यों रहते हो? नेवर सर राकेश ब्रह्म, नेवर 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 कैसे भाई, ठीक है। चलो तीन तीन लोगों के आंसर ठीक थे। देखो जरा दीज डेज का यूज किस टेंस के साथ होता है भाई, दीज डेज का यूज किस टेंस के साथ होता है भाई?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल केसी, दीज डेज का यूज हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के सेंस में करते हैं, राइट right? कि इन दिनों मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, है ना, इन दिनों मैं यहाँ रह रहा हूँ, राइट right? सो रह रहा हूँ, यू नो वेरी वेल कि कॉन्टिन्यूअस का सेंस देता है, राइट right? प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस का सेंस देता है क्या, दीज डेज, नाउ अ डेज, राइट। दोज जब आ गया, दोज डेज आ गया मतलब उन दिनों की बात है, बोलते ना ये उन दिनों की बात है जब हम खोए खोए रहते थे, है ना, तो ये उन दिनों की बात है भाई, ठीक है। अगर उन दिनों की बात हो गई तो उन दिनों की बात हुई तो भाई ये पास्ट में चला गया, अगर ये पास्ट में चला गया तो दोज डेज पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आएगा, बिल्कुल ठीक है। दोज क्या होगा भाई, दोज डेज पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आएगा, तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे भाई, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, वॉज से। अच्छा एक चीज है, दूसरी बात क्या, कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे कि सर इसमें प्लूरल कर लो, इसमें क्या कर लो, प्लूरल कर लो। भाई आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे हमारा मुद्दा सब्जेक्ट का अगर होता तो सब्जेक्ट क्या बनता भाई यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है जजिंग समवन, किसी को जज करना, ये सब्जेक्ट है भाई, ये क्या भाई, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो भाई उसके अकॉर्डिंग वर्ब तो ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब ऑब्वियसली, भाई ये तो एडवर्ब का काम कर रहा है ना, ये टाइम बता रहा है, वो पूरा का पूरा फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है, दीज डेज, दोज डेज, नाउ व डेज, ये क्या है भाई, ये फ्रेज है, कौन सा फिर फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, राइट। गॉट द आंसर, गॉट द आंसर भाई, फंडा क्लियर है, से यस नो, सभी लोग फटाफट थम्स अप कर लें अगर फंडा क्लियर है तो। सो टेंस, सेंटेंस को तोड़ना आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और चेंजेस करना पता होना चाहिए कि अगर ये चेंज करा एग्जामिनर तो ये आंसर आएगा, ये चेंज करा तो ये आंसर आएगा, क्योंकि कुछ पूरा वही है, पिछला पेपर ही एग्जामिनर घुमा के वापस देता है आपको, राइट। आप बस उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, तो फटाफट आंसर करें भाई, सभी को फंडा क्लियर है। अरे बोलो, सो गए? हाँ बताएं जी, अनुप सोनी, बिल्कुल ऑल क्लियर, गुड 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 गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, हाँ जी बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शेयर कर ले भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर ले इसको, जहां पे भी आप शेयर करते हो शेयर कर लो, लाइक कर लो भाई, हमें मोटिवेशन, हमें मोटिवेटेड भी रखो कि हाँ हमें अच्छा लगे कि मैं सुबह जग रहा हूँ जल्दी, नॉर्मली मैं जगता नहीं हूँ, कुछ बच्चों को पता है कि मैं नॉर्मली जगता नहीं हूं, मैं सुबह, मेरे से होता नहीं भाई सुबह उठना। थैंक यू अनूप, अभी और हेल्प करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ नहीं भाई बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा सपोर्ट दूं, है ना। चलो राकेश बी, सुशांत डी, सुशांत सौरभ प्रिंसिपल, राकेश बी, केसी प्रिंसिपल, प्रियांशु राज बी, अरुण बी, अजय बी, ओके सभी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। बताएंगे भाई मेरे, बी, सभी बी पे चल रहे हैं, पक्का बी है, पक्का बी है भाई, अनुप सुनिए, बी वाला प्रिंसिपल होगा, ओके। और सभी का बी, एक ही बच्चे का ए आंसर आया है, बाकी का बी आ रहा है, पक्का, आई श्योर 100% कि बी ही होगा, है ना, लास्ट मोमेंट है भाई ये गिफ्ट हैम्पर जीतने का, है ना, गौरव कुमार दी, ठीक है। आशा पहारीवाल सी, इनविंसिबल, ओके। डी भी किसी ने बताना, जल्दी बता लो, डी भी होगा तो डी वाला भी बता लो भाई, ए बी सी तो तीन आंसर आपने मार्क कर लिए जी, है ना, गौरव से डी, ओके दी, ठीक है बढ़िया। चलो कह रहा है कि द डैश नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स, राइट। सो अगर आप इसमें देखोगे ना तो कुछ ऐसी बात निकल के आ रही है, क्वेश्चन को समझ नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं है, कोई बात नहीं समझ आ जाएगा। अब इसमें सिंपल फंडा आपसे ये बोल रहा है भाई कि यहाँ कुछ लगा हुआ है, यहाँ आपको गैप दिया हुआ है, और हियर यू हैव फोर ऑप्शंस कि कोई एक उठा के उधर चिपका देना है, अपने वहां पे प्लेस कर देना है, राइट। तो यहां से स्टार्ट करता, बोल रहा है कि द नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मतलब जो वहां रह रहे हैं, इनहैबिटेंट्स मतलब वो लोग जो वहां पे रह रहे हैं, है ना, जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बोल रहा है। सीम लगता है द नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम
टू बी फ्रूट, क्या उनकी जरूरत है, वो क्या कह रहे हैं भाई कि फ्रूट चाहिए उनको, आइस्ड ड्रिंक चाहिए, साइनी बूट्स चाहिए एंड लॉटरी टिकट्स, है ना, ऐसी बात बोल रहा है भाई। तो आपके सामने चार ऑप्शन है भाई, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और अपना करेक्ट आंसर फिगर आउट करेंगे। पहला जो है भाई वो बोल रहा है एमिएबल, एमिएबल की मीनिंग क्या होती है, एमिएबल की मीनिंग क्या होती है, एमिएबल की मीनिंग होती है भाई सोशिएबल होना, या फिर क्या फ्रेंडली होना, है ना, ये दो आप ऐसे समझ सकते हो, सोशिएबल फ्रेंडली, है ना, कॉर्टियस भी बोल सकते हो, जेनरस भी बोल सकते हो, एमिएबल के लिए अफेबल भी बोल सकते हो, राइट। तो ये सब अमेबल सॉरी अमेबल के लिए क्या हो जाएंगे भाई, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब जरा ये बताना द एमिएबल नीड्स होगा क्या, नहीं भाई एमिएबल नीड्स तो बन नहीं सकता, कि उनकी जो फ्रेंडली नीड्स थी, फ्रेंडली नीड्स क्या होता है ना, तो फ्रेंडली नीड्स नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं भाई प्रिंसिपल पे, पी आर आई एन सी आई पी एल ई। अब इस प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है भाई, इस प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है, हाँ राकेश बढ़िया गुड ह्यूमर, ठीक है कॉर्डियल, हाँ जी केसी बढ़िया, ठीक है वर्षा कॉर्डियल बिल्कुल। इस प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है भाई, है ना, ठीक है, इस प्रिंसिपल की बात करो, मैं अभी ए एल की बात नहीं करा, पी एल ई की बात करा, ठीक है। इस प्रिंसिपल की मीनिंग है भाई क्या, रूल, रूल्स बोलते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस, हाँ कि ना, रूल्स रेगुलेशंस यही तो होता है भाई, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना बोलते ना, तो वही प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होगी भाई, रूल्स रेगुलेशंस ये सारी बातें, हाँ सिद्धांत बिल्कुल, सिद्धांत बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया भाई, तो मैं बोलूं कि उनका जो सिद्धांत की जरूरत थी, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है क्या, प्रिंसिपल नीड्स की बात करें क्या, एक्सियोम सिद्धांत की बात आ रही है क्या, वहां पे रूल की बात आ रही है क्या, रूल नीड की जरूरत थी भाई उनको, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है क्या, नीति नियम की जरूरत थी, हाँ ऐसा कुछ निकल के आ रहा है क्या, प्रोसीजर नहीं, ये भी आपके सामने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आप ही देख रहे हो, आप ही आंसर कर रहे हो, ये आंसर क्या हो रहा है भाई, एलिमिनेट हो रहा है। प्रिंसिपल मतलब रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहा है, उनको रेगुलेशंस की नीड्स थी, नहीं भाई उनको तो ये खाने पीने की जरूरत की चीजें चाहिए थी ना, ये चाहिए थी ना। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, इनविंसिबल की सिंपल मीनिंग होती है जिसको हराया ना जा सके, है ना, ठीक है, जिसको हराया ना जा सके, सिंपल सा फंडा है क्या, कि जिसको हराया ना जा सके वो इनविंसिबल है भाई, है ना, वो हमेशा जीता हुआ ही रहेगा, ठीक है सिंपल। सो इनविंसिबल भी नहीं आएगा, खत्म। अब बात आ रही है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है भाई, मेन, है ना, मेन या फिर चीफ, ठीक है, मेन या चीफ, इनविंसिबल, अरे नहीं नलायक केसी, इनविंसिबल कैसे होगा, इनविंसिबल कैसे होगा, ठीक है, इनडोमिटेबल, हाँ जी बिल्कुल इनडोमिटेबल, जिसको हराया ना जा सके, बिल्कुल मैं प्रॉपर हिंदी यूज कर रहा हूँ आप, ताकि आप समझ सको, है ना। आपको पता है मैं वर्डिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, रीजन ये है कि वर्डिंग चेंज हो जाती है आपके पेपर में, राइट। सो प्रिंसिपल का मतलब हो गया मेन या फिर चीफ, इस वाले प्रिंसिपल का, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, तो वो क्या होते थे भाई, आपके हेड होते थे ना, वो हेड होते थे, वही मेन होते थे, वही चीफ होते थे, राइट, ठीक है। सो द मेन नीड्स, जो मेन जरूरत है उसकी बातचीत चल रही है ना यहाँ पे, जो मेन जरूरत है, अध्यक्ष, यस एग्जैक्टली, अध्यक्ष भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जो मेन नीड्स है ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जो वहां रह रहे हैं लोग हैं, उनकी जो मेन जरूरत है वो क्या है भाई, वो फ्रूट है, आइस ड्रिंक है, साइनी बूट्स है। गॉट द पॉइंटर, गॉट द पॉइंटर, कि हमने कैसे आंसर फिगर आउट करा, है ना, हाँ जी ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल की मीनिंग आपको अंडरस्टूड है, कि अगर सिनोनिम पता हो रहता आपको तो आप करेक्ट आंसर फिगर आउट कर पाते। राकेश बर्मन ची गया, क्या बोल गया भाई, ची गया, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला, ठीक है। गौरव कुमार प्रधान, अजय, ओके अजय ठाकुर, क्लियर है, ये फंडा क्लियर है ना भाई, कि ऑप्शन डी कैसे करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी कैसे हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक है भाई सभी के लिए। सुनील सेठी क्लियर, हाँ जी, और सभी को क्लियर है, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट की बात करें, हाँ जी गुड गुड, रॉन्ग हो गया स्कूल प्रिंसिपल, अच्छा आई थॉट इट इज ओनली यूज्ड फॉर द स्कूल प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स, ओके केसी बढ़िया, है ना, चलो ऐसे ही सोचते रहो तुम लोग, हैं नैया डुबा लो अपनी। राकेश बर्मन सर, ओके गुड, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर भाई क्वेश्चन,
आंसर करेंगे। अजय ठाकुर कैन बी कहाँ पे भाई, कैन बी कहाँ पे है? ओके राकेश बर्मन सी, के सी कैन बी फन, गौरव कुमार सी 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 सी, के सी सी ओके, और सुशांत सौरभ बी ओके, और अरुण सागर सी, गौरव कुमार सी, आशा पहरीवाल सी ओके, राकेश बर्मन मॉडल वर्ब फर्स्ट बी वन, वर्षा बी, कैन बी निमाई सी ओके, सुलभ झा सी। ठीक है भाई चलो ठीक है समझते हैं। कह रहा है एज अ गेम, एक गेम की तरह देखा जाए अगर एक गेम, हाँ जी आ जाए ठीक है, एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रिडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजी और उसका ये क्या है भाई, ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है भाई, एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रिडिक्शंस ऑफ फेट, की जो एस्ट्रोलॉजी और उसका जो प्रिडिक्शन है भाई फेट को लेके, एंड पर्सनैलिटी कैन बींग फन, है ना, कैन के बाद बींग यूज किया है उसने, कैन के बाद बींग यूज किया, आपको पता है कैन क्या है भाई, एक मोडाल है ना, कैन क्या है भाई एक मोडाल है, एंड यू नो वेरी वेल दैट कि मोडाल को कौन फॉलो करता है भाई, मोडाल को हमेशा कौन फॉलो करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, बींग यहाँ पर क्या होगा भाई, बिल्कुल बींग यहाँ पर क्या होगा, एरर होगा, बींग यहाँ पर नहीं होना था, इसकी प्लेस पे क्या आना था, बी का यूज होना था, कैन बी फन, मोडाल्स के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, है ना, बिल्कुल, कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए ये फंडा कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ये फंडा बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है, फिक्स्ड है, किसी भी सेगमेंट में आप लेके जाओ, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेके जाओ, ये यही रहेगा, डन है, हाँ जी बढ़िया। चलो तो सभी का आंसर ठीक था, कुछ एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा सा भटक गए थे, अब उनको भी समझ आ गया होगा जी, है ना, मोडाल प्लस बेस फॉर्म, बिल्कुल हाँ भाई, हजम नहीं हो रहा है, कोई नहीं जी, हजम नहीं करना है, आपने आंसर फिगर आउट कर लिया है, ठीक है चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन है भाई, अगला नेक्स्ट है भाई आपके स्क्रीन पर, अजय ठाकुर है ठीक है, आंसर करेंगे ए ए ए ओके ओके, अजय ठाकुर ए, सुशांत सौरभ ए, के सी ए, सुलभ ए, वर्षा झा ए, सुनील शेट्टी ए, मार्टर ए सी के सी ए, आशा पारिवाल ए, अरुण सागर ए, इजी हो गया क्या ज़्यादा है जी, इजी हो गया, पेपर में आ रखा भाई, पेपर में आ रखा है आपके, कोई नहीं चलिए जी इजी हो गया, बहुत इजी है भाई, कह रहा है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, है ना, जो नोबल कॉज के लिए जिनकी डेथ होती है या जो मरना पसंद करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, शहीद बोलते हैं, मार्टर बोलते हैं, राइट, अब एक बात जरा सुनना, ये तो हमारा आंसर हो गया ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, बी जो ऑप्शन दे रखा है भाई बी, मनीष जोशी बिल्कुल जी हाँ, बी बी हेरेटिक, हेरेटिक की बात कर रहे हैं, हेरेटिक, हेरेटिक की मीनिंग चाहिए मेरे को, हेरेटिक, हेरेटिक किसको बोलते भाई, हेरेटिक निमाई, ठीक है भाई हेरेटिक की मीनिंग देंगे भाई जरा फटाफट, हेरेटिक को बोलते क्या है, हेरेटिक भी लिखे हैं, बूचर भी लिखे और नार्सिस्ट भी लिखे, नार्सिस्ट की वंशज, हेरेटिक को वंशज बोलते हैं नहीं, ठीक है ठीक है भाई, हेरेटिक क्या होगा भाई, पाखंडी, डिसिडेंट ओके, और कट्टर होना, आशा पहरीवाल ओके, ठीक है, हेरेटिक की मीनिंग होती है सिंपल, अगर आप समझो तो देखो बिल्कुल सिंपल मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, एक ऐसा इंसान कट्टर, आपने पता नहीं कहाँ से ढूंढा है मुझे नहीं पता, ध्यान से समझो ठीक है, हेरेटिक की मीनिंग क्या होती है ध्यान से सुनो ठीक है, हेरेटिक की मीनिंग होती है एक ऐसा इंसान जो, एक होता है ना कि सभी लोग जिस पाथ पे चल रहे हैं, रिलीजियस बिलीफ पे चल रहे हैं, मतलब सदियों से जो रिलीजियस बिलीफ जो सब मानते आ रहे हैं ना, हेरेटिक वाला इंसान वो नहीं मानेगा, वो अपना एक बिलीफ सिस्टम निकाल कर लाएगा कि भाई मैं इस चीज में बिलीव करता हूं,
राइट right. मैं इस चीज में बिलीव करता हूं। तो हेरेटिक का मतलब वो हो गया कि एक ऐसा पर्सन जो बाकियों से डिफरेंट जाके सोचता है, मतलब उसमें रिलीजियस थॉट में, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरेटिक। बिल्कुल सिंपल वे में याद रखें इसको। दूसरा है क्या, बूचर। बूचर यू नो वेरी वेल कि भाई जो एनिमल्स को स्लॉट करते हैं, है ना, एनिमल्स को स्लॉट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बूचर। और जहां पे एनिमल्स को स्लॉट किया जाता है, स्लॉट इन द सेंस काटा जाता है, क्या करना भाई, स्लॉट मतलब काटना, है ना, स्लॉट मतलब काटना, राइट। फटलिस्ट अलग हो जाएगा भाई, अजय फटलिस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, बूचर, ठीक है, जो काटता है उसको बोलते हैं बूचर, और जो जहां पे काटा जाता है उसको बोलते हैं क्या, स्लॉटर हाउस। क्या बोलेंगे भाई, स्लॉटर हाउस, जहां पे एनिमल्स को कट किया जाता है उसको बोलते हैं स्लॉटर हाउस, या फिर बूचर की जगह पे आप यहां पर जहां पे एनिमल्स को कट किया जाता है उसको बोलते हैं बूचरी, BUTCHERY, बूचरी, राइट। तो बूचरी हो गया भाई, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट है वो है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट क्या होता है भाई, आपने एक सॉन्ग सुना होगा क्या, कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना, सुना है कि नहीं सुना है ना, तो ये वाली बात जो है कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, वही होता भाई नार्सिस्ट, है ना, कि खुद ही में इतना ज्यादा खो जाना, सेल्फ सेंटर्ड होना, कि भाई मैं ही जो हूं मैं हूं, है ना। हाँ, हैकिंग एंड चॉपिंग मीट, ठीक है, इगोटिस्ट भी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से, ठीक है। सो नार्सिस्ट का मतलब बेसिकली सेल्फ सेंटर होता है ना, कि भाई कि हाँ बढ़िया, ठीक है, तो बस ये हो गया भाई। चलते हैं आगे अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भाई। सेल्फ सेंटर, बिल्कुल वर्षा, सेल्फ सेंटर्ड होना, आत्ममुग्धता बोलते हैं उसको हिंदी में, नार्सिस्ट को आत्ममुग्धता बोलते हैं जी। तो बच्ची भी बड़ा कंफ्यूज है कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ठीक है जी। नहीं भाई ऐसा भी नहीं है सौरव यादव, है ना, चलो आ जाओ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओवर द इयर्स द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैज गॉटन मोर डायरर, केसी बी, ओके राकेश बर्मन बी, उर्मिला नेगी बी, अरुण बी, अजय ठाकुर बी, राकेश बर्मन बी, ठीक है जी, आंसर करते रहे फटाफट आंसर करें। बाकी जनता शेयर सब्सक्राइब लाइक जो भी समझ आता है कर लें भाई, है ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर लें, है ना। सौरभ यादव भी, ठीक है, वर्षा भी, चलो ठीक है। ओवर द इयर्स मतलब टाइम के साथ साथ बोल रहा ना, मोर डायर होगा, फेंक दूंगा मैं तुझे विंडो से, है ना, मोर डायर होगा नलायक। ओवर द ईयर्स बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है भाई, ओवर द ईयर्स द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैज गॉटन मोर डायरर। डायर वर्ड होता है, क्या डायर एक वर्ड होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है भाई, वर्स हो जाना, क्या हो जाना भाई, बहुत ज्यादा खराब हो जाना, बहुत ज्यादा खराब होने की कंडीशन को डायर बोलते हैं, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब होने की सिचुएशन को क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम करेगा, डायर किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब होता है वर्स होना, खराब होना, राइट। अच्छा नो एरर भी मान रहे हैं भाई, एवरी ओके हैज रिप्लेस विथ हैव, नो एरर, ठीक है चलो समझते हैं भाई। कह रहा ओवर द ईयर्स क्या, कई सदियों में, ठीक है, सदियों में द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स, टाइम के साथ था जो हुआ है, जो साइबर अटैक्स का जो थ्रेट है ऑन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के ऊपर हैज गॉटन, किसकी बात, ये हैज किसके लिए आया भाई, थ्रेट के लिए आया है ना, थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ना, देखो वो वाली बात, वन ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये वाला, ठीक है, हाँ अब आया सही भाई आंसर केसी, ठीक है। ये थ्रेट क्या है भाई, थ्रेट यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है और इसके लिए यहां पर हैज यूज किया है, तो थ्रेट सिंगुलर है तो हैज ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हैज प्लस वी थ्री गॉटन भी ठीक है, लेकिन यहां देख रहे हो मोर डायरर, ये कंपैरेटिव डिग्री वन, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री टू, मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज करा है उसने, ठीक है, और कभी भी ठीक है, हाँ जी थ्रेट के लिए हैज यूज हुआ है, कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होंगे, कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होंगे, इस चीज को बिल्कुल नोट करके रख लें आप, थ्रेट में कोई एरर नहीं है वर्षा, ठीक है, थ्रेट में कोई एरर नहीं है, एरर कहाँ है भाई, यहां पर मोर डायरर नहीं होगा, क्या लिखोगे भाई, मोर को वहां से हटाओगे, डायरर लिखोगे सिर्फ, क्या डायरर। और मैं आपको बता देता हूं एक चीज, कंपैरेटिव कैसे फॉर्म करते हैं, कंपैरेटिव कैसे फॉर्म करते हैं भाई, कंपैरेटिव फॉर्म करने का दो तरीका है आपके पास, एक तो या तो आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले मोर लगाओगे, या फिर आप ईआर प्लेस करते हो, जैसे क्या बिग है,
बिग को अगर कंपैरेटिव डिग्री लिखना हो तो आप क्या लिखते हो, बिगर लिखते हो ना, सही है, सुनो बिगर लिखते हो राइट। लेकिन ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखने जाओ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ब्यूटीफुल को अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, मोर ब्यूटीफुल लिखोगे, सही है, सुनो यही लिखोगे ना। दो तरीके से आप क्या बनाते हो भाई, आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो। अब क्वेश्चन ये आया कि मोर कब यूज करेंगे, मोर कब यूज करेंगे सर कंपैरेटिव डिग्री में, तो भाई एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें, और वो बात क्या है कि देखो अगर जो वर्ड है वो वन सिलेबल का है, वन सिलेबल का मतलब क्या होता है भाई, वन सिलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला बिग, सो बिग बोलते टाइम, बिग को प्रोनाउंस करते टाइम मुझे पॉज नहीं लेना पड़ा, एक हल्का सा भी पॉज मैंने नहीं लिया, आप समझ पा रहे हो इस बात को, मैंने बोला बिग तो बिग बोलते टाइम मैंने कोई पॉज नहीं लिया, अगर कोई पॉज नहीं लिया तो ये वन सिलेबल का भाई वर्ड है राइट। और वन सिलेबल के वर्ड के साथ हमेशा हम ER का यूज करते भाई कंपेरेटिव डिग्री में फॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, कुछ दूसरा अगर जो दूसरा वर्ड है मान लो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल बोलते टाइम आपको एक हल्का सा पॉज लेना पड़ता है ना, तो ये दो सिलेबल का वर्ड हो गया भाई, ये दो सिलेबल का वर्ड हो गया, जिसमें आप दो सिलेबल का वर्ड यूज करते हो या फिर हल्का सा भी पॉज लेते हो उसके साथ आप मोर का यूज करते हो कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए। ये बात, ये फंडा बिल्कुल क्लियर है, ये फंडा बिल्कुल क्लियर है कि किसके साथ हम किसका किसका यूज करेंगे भाई, है ना। जैसे काम एक वर्ड है भाई, काम CALM, काम एक एडजेक्टिव है, मैंने बोला काम को आप क्या करो भाई, हाँ बिल्कुल राकेश, काम क्या है भाई, काम एक एडजेक्टिव है, और मैंने बोला इसका आप कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करो, इसका कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करो, हाँ द थ्रेट तो सब्जेक्ट है ना भाई, द थ्रेट में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई, ओवर द ईयर्स ये एडवर्ब फ्रेज बना हुआ है, ये एडवर्ब फ्रेज बना हुआ है राइट, और द थ्रेट क्या है भाई, द थ्रेट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें मेन सब्जेक्ट का काम द थ्रेट कर रहा है, और हैज किसके अकॉर्डिंग आया भाई, जो हुआ भाई वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है भाई राइट। देखो काम किस, काम का क्या होगा भाई, काम का कामर होगा राइट, क्योंकि काम क्या है भाई, वन सिलेबल का है, तो काम कामर कामिस्ट। आई होप आपको फंडा क्लियर होगा कि कैसे हम कंपेरेटिव को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो नोट डाउन भी कर लिया करें भाई, चीजों को नोट डाउन कर लिया करें, वन सिलेबल टू सिलेबल है ना। जसीम मलिक, हाय हेलो, कामर, काम कामर कामिस्ट, एग्जैक्टली ठीक है। आई होप सभी को ये बात क्लियर है, सभी को फंडा क्लियर है ये वाला। तो करेक्ट आंसर हमने किधर फिगर आउट करा भाई, बी, बी जिन लोगों ने भी आंसर करा था वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट आंसर है जी। चले नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात कर लें भाई, चलो गुड बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। जसीम मलिक सी, ओके, बाकी जनता भी आंसर करे भाई। अनुप सोनी, केसी बी, अजय ठाकुर बी, राकेश बर्मन बी 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 बी, सुशांत सौरभ सी, ओके, आशा पहरीवाल बी, और बाकी बाकी भी आंसर करें, अनुप बी, वर्षा बी, रुचि सरो, सर मैं इंग्लिश बहुत वीक में कैसे पढ़ाई करूं सर, एनी आइडिया। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने फाउंडेशन पे काम करें पहले, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। रट्टाफिकेशन से दूर रहें, कुछ भी रटना नहीं होता है, सारी चीज़ें बस अंडरस्टूड करनी होती है। हिंदी से भी ईजी इंग्लिश है, हिंदी से भी ईजी इंग्लिश है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को और अपनी बात पर कायम भी हूँ, है ना। अनुप सोनी बी 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 राइट, चलो ठीक है, सभी के आंसर बी आ रहे हैं, एक के एक बच्चे का सी भी आया था किसी का, ठीक है, समझते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, मतलब कोई स्पेलिंग वाला एरर है, ठीक है, इसलिए मैं जब भी आपको कैप कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ प्रोनंसिएशन वैसे बोलो जैसे वो वर्ड लिखा हुआ है, आप अपने सोफिस्टिकेशन के चक्कर में उस वर्ड को मतलब बिल्कुल गड़बड़ ना करो, है ना, ऐसा करने की कोशिश मैं हर बार बोलता हूँ। हाँ वीक की स्पेलिंग भी में एरर था कैसी, ठीक है चलो, एवरीवन लाफिंग वी में सही है, ठीक है चलो समझते हैं। तो
आप देखेंगे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लॉफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप, और हमने देखा कि इसमें एवरीवन ठीक है, वाज ठीक है, टॉकिंग ठीक है, एंड लॉफिंग में गड़बड़ है, लॉफिंग में गड़बड़ है, ड्यूरिंग की स्पेलिंग ठीक है, द और ट्रिप की स्पेलिंग ठीक है। हमें जो एरर ढूंढना है वो लॉफिंग का ढूंढना है, तो हम पूरे सेंटेंस को स्टार्टिंग से रीड करना बंद कर देते हैं, लॉफिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉफिंग की स्पेलिंग पहले एक जगह लिख लो, क्या होता है भाई, ऐसा कुछ होता है भाई, लॉफिंग की स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, लॉफिंग की स्पेलिंग यही होती है भाई, ठीक है ना। चलो सो लॉफिंग की स्पेलिंग ये होती है, तो यहाँ देखो ये गड़बड़ है, एल ए यू जी आता है पहले तो एच आ चुका है, तो ये खत्म, एल ए यू जी एच यहाँ पे ठीक है भाई, और देखोगे यहाँ पे डबल एफ आया तो ये गलत, एल ए यू जी एच आई एन जी यहाँ पर भी ठीक लिख रखा है और यहाँ पर भी ठीक लिख रखा है, दो जगह ठीक लिख रखा है, लेकिन 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 आप देखोगे तो यहाँ पे एवरी वन भी ठीक लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे एवरी वन की स्पेलिंग में क्या है भाई, एरर है, तो इसको हमने क्या खत्म। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा भाई, बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। तो अभी तो ये इजी था, लेकिन जब आप सीजीएल के लेवल पे आते हो, ये तो एमटीएस का था, सीजीएल के लेवल पे आते हो तो इसका जो वर्ड होता है ना वो सारे डिफिकल्ट होते हैं, लॉफिंग तो आएगा ही नहीं कभी पेपर में, सीजीएल में तो आएगा ही नहीं, है ना, ये एमटीएस के लेवल का क्वेश्चन था, इस वजह से ऐसा है ना। तो उसमें क्या होता है, सीजीएल वाले में यहाँ पे भी गड़बड़ियां दे रखा होता है, मतलब एक साथ तीन तीन चार चार वर्ड्स में गड़बड़ियां दे रखा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, क्लोज टेस्ट का आज नहीं है, कल होगा भाई, क्लोज टेस्ट कल आएगा, है ना, क्लोज टेस्ट कल आएगा, क्वेश्चन में भी एवरीवन गलत लिखा, हाँ क्वेश्चन में भी एवरीवन गलत लिखा, यस एग्जैक्टली, यहां पर भी गलत लिखा होगा, गुड अनुप, आंसर करेंगे भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स अंडरलाइन वर्ड, है ना, सबसे अप्रोप्रिएट आपको करना है। सर आपकी पिनेकल फोर्थ एडिशन की पैसिव और नरेशन का पूरा वीडियो नहीं है, ओके मैं देखता हूँ भाई, ऐसा अगर ऐसा है तो रुचि मैं इस पे देखता हूँ, बिजारे केसी बिजारे, गौरव कुमार सी केसी बिजारे, वर्षा झा सी बिजारे, सी अजय ठाकुर सी, रुचि सरोज आप एक बार जाके ऐप पे पूरी वीडियोस देखें, ठीक है, प्रॉपर वीडियोस पढ़ी हैं, मैंने पूछा अभी तो सर ने बताया कि सारी वीडियोस पढ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एक बार आप स्क्रॉल करके सारे वीडियोस को वॉच करें, ठीक है। हाँ भाई अनुप करेक्ट करेक्ट था भाई, आपकी बात मैंने करेक्ट कर दी थी कि हाँ भाई उसमें गलत था। चलो बिजारे लग रहा है, बिजारे कुछ के आंसर बिजारे आ रहे हैं, ठीक है, हाँ चलो समझ लेते हैं भाई, कह रहा है क्या, आई डोंट नो वाई सी वियर्स दीज इसेंट्रिक आउटफिट्स, और हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है सिनोनिम, हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, इसेंट्रिक की मीनिंग क्या होती है भाई, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इसेंट्रिक की मीनिंग क्या होती है भाई, वो होती है भाई स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के सेंस में आप इसेंट्रिक को यूज करते हो, स्ट्रेंज बोल लोगे या फिर पेक्यूलियर बोल लोगे, पेक्यूलियर या फिर आप क्या बोल लोगे भाई, एबनॉर्मल बोलते हो तो एबनॉर्मल बोल लो, इसके अलावा और क्या बोल सकते हो भाई, इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, तो आप एक और चीज बोल सकते हो, वो है बिजारे, क्या है भाई, बिजारे है, राइट सो ये ये क्या होते हैं भाई, ये आउट इसेंट्रिक में आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ सेंटर तो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा ना भाई, इसेंट्रिक की जो बिल्कुल बेसिक मीनिंग होती है वो होती है स्ट्रेंज, है ना, बिल्कुल अजीब लगना, बिल्कुल एबनॉर्मल लगना, पेक्यूलियर भी बोल सकते हो आप उसको, राइट हाँ सनकी भी बोल सकते हो, बिल्कुल एबनॉर्मल, तभी उसके लिए सनकी के लिए वहां पे लिख रखा भाई एबनॉर्मल, राइट ठीक है। तो बिजारे यहां से निकल के आ रहा, तो बिजारे हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसिव को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेंसिव कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव कॉस्टली होता है, और एक्सपेंसिव की एक सिनोनिम होती है डियर, डियर वर्ड भी एक पेपर में कल सॉल्व करा रहा था, ठीक है, किसी बैच में, तो वहां पे एक्सपेंसिव का सिनोनिम डियर भी लिख रखा था, तो डियर भी मार्क करेंगे एक्सपेंसिव के लिए, क्यों,
ये पेपर में आ रखा भाई एसएससी के, ठीक है, किसी एक सेट में था, ठीक है। यूट्यूब पर नहीं होगी भाई रुचि सरोज, यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगी, ऐप पर ही होगी। यूट्यूब पे कमी वीडियोस पड़ी है, वो सारी वीडियोस ऐप पर हैं भाई, आप जाके देख सकते हैं। एक्सपेंसिव का डियर हो गया, ठीक है। एलिगेंट के लिए क्या होगा भाई, एलिगेंट के लिए हो जाता भाई ग्रेसफुल, एक वर्ड होता है ग्रेसफुल, आप जानते हो, है ना, अच्छा होना, है ना, ग्रैंड होना, ग्रेसफुल होना, उसको बोलते हैं भाई एलिगेंट। और लाइविस की मीनिंग होती है भाई क्या, एक्स्ट्रा वैगेंट, क्या होती है भाई, एक्स्ट्रा वैगेंट होती है। नाउ माई क्वेश्चन इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा वैगेंट एंड स्पेंट थ्रिप्ट, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट और एक्स्ट्रा वैगेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों सिनोनिम्स हैं लेकिन डिफरेंस क्या है भाई। हाँ राकेश, डिसेंट और जेंटिल, ठीक है ठीक है, सबकी मीनिंग आपको क्लियर हो गई भाई, लेकिन आपको लेविस की जो सिनोनिम है एक्स्ट्रा वैगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट, इनमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। गॉर्जियस की स्पेलिंग गलत है भाई, नहीं भाई स्पेलिंग एरर है आपका, डिसेंट प्लेजेंट। बाकी रुचि एक फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट कराया जाएगा, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश मिक्स कराए जाएंगे भाई आपको, बिल्कुल फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में वो कोर्स लॉन्च होगा, आप उसको भी मतलब देख सकते हैं, ठीक है भाई। सो एक्स्ट्रा वैगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग आप कर, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब वेस्टफुल, नहीं, एक्स्ट्रा वैगेंट की मीनिंग होती है भाई कि आप लेविसली पैसा खर्चा कर रहे हो, मतलब लेविस चीज़ों पे पैसा खर्चा कर रहे हो। और स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग होती है भाई कि आप पैसा तो खर्चा करो, खर्चा यहाँ पर भी कर रहे हो, खर्चा यहाँ पर भी कर रहे हो, लेकिन ऊपर वाले में कैसे खर्चा करो। एक्स्ट्रा वैगेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, कि आप बिल्कुल लेविस तरीके से पैसे को खर्च कर रहे हो। स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग होती है केयरलेस तरीके से पैसे को खर्च करना, कैसे खर्च करना भाई, केयरलेस तरीके से पैसे को खर्च करना, उसको बोलते हैं क्या, स्पेंड थ्रिफ्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में चलो, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में चीज़ों को सीखो, है ना, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में सीखने की कोशिश करो। सोच सोच कर खर्चा करना, नहीं सोच सोच कर कहीं पर भी खर्चा नहीं होगा भाई। स्पेंड थ्रिफ्ट में बिना सोचे खर्चा करना, है ना, बिल्कुल जितना चाहते हो उतना खर्चा करो, कहीं खर्चा करो, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा वैगेंट में बिल्कुल लेविस चीज़ों में, है ना, बिल्कुल आप अपनी कहते हैं ना भाई कि एक देखना चाहिए भाई, एक ओस्टेंटेशियस किस चीज़ों में खर्चा करना, उसको बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा वैगेंट। डन है, चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, नहीं प्रिंस वर्मा, सोच समझ के खर्चा नहीं, केयरलेस तरीके से होता है भाई, वो फ्रूगल, फ्रूगल उसका एंटोनिम हो जाएगा भाई, फ्रूगल एंटोनिम हो जाएगा। चलो इसका आंसर करो अभी फिलहाल, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, बी बी अनुप सोनी थम्सअप जसीम बी सुशांत बी आशा बी निमाई बी क्लियर है, सभी को क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर है भाई, ये सभी को क्लियर है। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग पूछ रहा है भाई आपसे, प्रोमिनेंट की स्पेलिंग पूछ रहा, प्रोमिनेंट की स्पेलिंग पूछ रहा, कौन सा वाला करेक्ट होगा भाई, बी वाला करेक्ट होगा, प्रोमिनेंट की स्पेलिंग, एमिनेंट प्रोमिनेंट, राइट, एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट, अभी किसी दिन तो क्लास में हमने डिस्कस करा था ना भाई, एमिनेंट और प्रोमिनेंट क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स होंगे, एमिनेंट और प्रोमिनेंट, राइट, डन है। चलो पॉपुलर, बिल्कुल रिवियर कह सकते हो, पॉपुलर कह सकते हो, है ना, नोटेबल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल राकेश। चलो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट ओके बी ओके और डी राकेश बर्मन, डी 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 केसी सेट क्रुएल, ओके डी मन्नू रॉय, डी अजय सेफ, नहीं सेफ, ठीक है भाई सेफ सिक्योरिटी राकेश बर्मन, ठीक है बढ़िया बढ़िया। क्या पूछ रहा है भाई, एंटोनिम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है किसके लिए भाई, एंटोनिम, हाँ भाई अभी देखा तुमने, है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो एंटोनिम पूछा किसके लिए भाई, पेरिलस के लिए, पेरिल वर्ड होता है भाई, पेरिल से बना है पेरिलस, पेरिल की मीनिंग क्या होती है भाई, पेरिल की मीनिंग होती है डेंजरस, क्या होती है भाई, डेंजर, है ना, खतरा, ठीक है। एक और इसके लिए भाई वर्ड है, एक और वर्ड है जो काफी पॉपुलर है एग्जामिनेशन में, वो है जियोपार्डी,
क्या है भाई? जियो पार्डी, ये आपको देखने को मिलेगा, वन वर्ड में भी देखने को मिलेगा और वैसे भी देखने को मिलेगा ये वर्ड जियो पार्डी, जिसका मतलब क्या होता है भाई? डेंजर, बिल्कुल वर्सा डी, ठीक है ना, डेंजर, राइट, ठीक है। सो वर्बोज मतलब जो ज्यादा बातचीत करता, अनस्टेबल होगा नहीं, क्रूएल होगा नहीं, सेफ होगा भाई। करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई? डी, राइट। तो चलो भाई, आज इतनी ही बात करनी थी, क्वेश्चंस इतने ही करने थे हम। कल आप आए बिल्कुल टाइम से, बिल्कुल टाइम से आए आप, राइट, ठीक है। और हम जो बात करेंगे कल, उसमें क्लोज टेस्ट भी करेंगे और पैराजंबल भी करेंगे, तरीका भी सीखेंगे कि पैराजंबल को हम कैसे टैकल करते हैं, क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल करते हैं, राइट। डन है भाई, वन वर्ड के क्वेश्चंस भी होंगे, बाकी मतलब अच्छे क्वेश्चंस होंगे कल वाले में। आज थोड़े इजी थे, ठीक है, मुझे भी लगा इजी है आपके लिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप टफ क्वेश्चंस के साथ खेलें, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें भाई, किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी भी पैक के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप। कोई भी बात पूछनी हो, कोई दुख हो जिंदगी में, जिंदगी कट नहीं रही हो आराम से, तो भी पूछ सकते हैं भाई, हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेल का एक मैराथन करा दूं? चलो मैं मैराथन कराऊंगा, अभी मैराथन नहीं होगा लेकिन 1 वीक के बाद पक्का मैराथन मैं कराऊंगा, हर एक टॉपिक का कराऊंगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लास प्लीज, वो भी मैं कोशिश करता हूँ भाई। ओके, ऑल क्लियर केसी। और बाकी जनता, आप ज़्यादा कोशिश करें कि भाई जो भी आपको क्लासेस मिल रही हैं उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना, आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलती है सारी चीज़ें। अच्छा, लुक्ड कन्फ्यूज वाले में दिक्कत थी, कल डिस्कस कर लेंगे भाई इसको। सर ऐप बहुत अच्छा, आप अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने आप बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अच्छा, थैंक यू रुचि, ठीक है सर। डेली एक सेट सॉल्व करा है, वो भी 1 वीक बाद होगा, अभी बस बेसिक बेसिक चल रहा है, 1 वीक बाद आपका सेट भी करा जाएगा, 25 क्वेश्चंस का पूरा पूरा सेट, है ना। और बाकी मैराथन, मैराथन की भी मैं कोशिश करूँ कि मैराथन की क्लास मैं करूँ, है ना, जल्दी करूँ, ठीक है। ये क्लास 7:30 पे स्टार्ट होती है आपकी, मॉर्निंग में 7:30 पे डेली ये क्लास आपको मिल जाएगी। थैंक्स योर टीम, थैंक यू अनुप सोनी। हाँ गुड मॉर्निंग भूषण, आप लेट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।